भाई एक यहाँ पे भी फोटो क्लिक कराने के लिए हम रुके थे, देख रहे हो जबरदस्त यार। यहाँ से तो हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, मेरे को लग रहा है बर्फीले पहाड़। तो भाई ऐसा है, अभी हम क्लाउड एंड्स जा रहे हैं और ऊपर से वो देख रहे हो, तो वहाँ से आए अभी हम। हाँ भाई, जब तक मैं बाइक पे ना बैठूँ ना, मेरी तो आत्मा को ही शांति नहीं मिलती। ओए बंदर बंदर बंदर, ओ भाई ये रास्ता आ गया भाई, थोड़ा सा लटकन वाला, कोई नहीं निकाल देंगे भाई। पहाड़ों पर चला गया तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, और बिना लोकल के तो आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे। एक लोकल बंदा चाहिए, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे आप यहाँ से। ठीक है चलो मिलते हैं आगे। ये अभी पता हम कहाँ से आए हैं, देखो ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यहाँ से आए। और ये हमसे कितनी दूर है देखो, ओ भाई। और खाई जबरदस्त, देखो ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा, कभी नीचे आ जाऊँ, देखो कितनी खाई है, ओ भाई गजब। वो है ना, वो मैं आपको बोर्ड बोर्ड दिखाना भूल गया क्लाउड एंड का, तो देखते हैं बाइक भी पता नहीं अलाउड है नहीं है। चलो भाई यहाँ तक तो लेके आए, और लोग बात दिख रहे हैं मेरे को। तो भाई यही है, तो भाई ये है अपना क्लाउड पॉइंट, क्लाउड एंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जब मौसम ठीक होता तभी होता, मतलब जैसे अभी बादल ऊपर है, ये बादल के आगे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ना, इधर की साइड एक लेयर बन जाती है, और इससे नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ यही है, यही वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग क्लाउड देख सकते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो भाई अब यहाँ से हम अपना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा रूम की तरफ। अराउंड 1.5-2 घंटे हमें नीचे उतरते तो लगेंगे, कि रोड देख रहे हो, तो रोड को देखते हुए ना 10-12 की स्पीड पे, जितनी ऊपर हम ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें उतरना भी है। तो और कल मैं सुबह निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। ठीक है, तो भाई चलें बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी हेलमेट पे तो माउंट कर ही रखा है मैंने, मोटो ब्लॉक करूँगा थोड़ा सा और आपको सब कुछ दिखाऊँगा। देखो एक बार और मस्त है ना। चलो ठीक है भाई, एक यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए हम रुके थे, देख रहे हो जबरदस्त यार। यहाँ से तो हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, मेरे को लग रहा है बर्फीले पहाड़। अपनी रील वील ब्लॉग व्लॉग सब प्रॉपर तरीके से शूट हो गया भाई, मज़ा आ रहा है एकदम, पैसा वसूल। अब यहाँ से हमें कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे नीचे उतरने में, तो धीरे धीरे उतरते क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पे ना। वो बाइक ही नहीं उछली थी, एक गाड़ी गई भाई, उसके टायर स्लिप मारा था, सारे पत्थर हमारे ऊपर आए। ये तो शुक्र बनाओ कि नीचे ऊपर कहीं नहीं आए। ठीक है तो चलो भाई अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, और जो कोई पॉइंट मिलेगा वो बस स्कूटियों के दम टूट रहे हैं यहाँ पे। ये देखो खींच के ले जा रहा है मेरी बाइक, देखो मैंने कितनी दूर खड़ी करी हुई। चलो भाई चलते हैं। तो भाई ऐसा है, अब धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारा उतरने वाला रास्ता स्टार्ट। इससे क्या है ना, ये जो पैस देख रहे हो यही बस टाइम खपत करेगा, नहीं तो हम आराम से पहुँच जाते। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देख रहे हो देख रहे हो, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो सीधा नीचे खाई में। भाई ये आ गया गंदे वाला रास्ता, यहाँ पे 2-3 बार हम बच रहे हैं गिरते गिरते, देख रहे हो। यहाँ पे पहले गियर पे ही हमें चलानी पड़ रही है, और इतना पैच गंदा है ना 1.5 किलोमीटर का, कि भाई यहाँ स्कूटी इसलिए कामयाब है कि रेस ही रेस देनी है यहाँ पे। क्या क्लच भी दबाना है, गियर भी बदलना है, वैसे तो गियर बदलने का मौका ही होगा। पहले गियर पे चल रही है और स्पीड देख रहो 12-13 बस। भाई देख रहे हो अभी हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से सामने से, और मैं दिखा रहा था ये वाले जो करवा रहे हैं ना, ये वाले भाई इस पर तो वही बंदा चला सकता है कि जिसको अच्छी तरह लीन करने आते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा शार्प है यार, और पता नहीं चलता कि आगे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कोई ओवरटेक कर रहा है। देखो ये देखो ये देखो भाई, अंधा मोड़ बोलते हैं अंधा, ये देखो नहीं अब आया नज़र भाई, खतरनाक है खतरनाक। और अभी 1.5-2 घंटे में हम उतर जाएंगे, देहरादून जा रहे हैं भाई। ये देख रहे हो व्यू मसूरी का पूरा भाई, इतनी ऊपर ऊपर घर कैसे बन जाते हैं यार, होटल है घर है,
पता नहीं क्या क्या है यार। तो भाई ऐसा है, ये वाला जो कट जा रहा है ना, ये मसूरी के लिए जाता है और हम अपने देहरादून की तरफ जा रहे हैं। ये बोर्ड आ गया अपना देहरादून दिल्ली 273 है, जो हम कल तय करने वाले हैं पूरा रास्ता। और बस इतना ब्लॉग था, और अब रास्ते में कुछ होगा तो मैं आपको ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इन्जॉय करो, ठीक है? चलो भाई, ऐसा है हम लोग आ गए हैं यहाँ से रात वाली जगह पे, ठीक है? तो अभी बाइक खड़ी करेंगे, बहुत देर का लंबा सफ़र हो गया हमारा, चलाते चलाते थक गए, ठीक है? तो अभी हम यहीं पे कहीं बाइक पार्क करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। और सुबह हमारा बस फिर रनिंग रनिंग है, कल के दिन आराम नहीं है, आराम सीधा घर जाके होगा, ठीक है? तो चलो अभी बाइक पार्क करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऐसा है कि अभी जो मैंने प्लान बनाया था कल जाने का, मतलब आज जाने का, कि आज मैं सहस्त्र दारा जाऊँगा, लेकिन प्लान कुछ चेंज हो गया, कुछ अर्जेंट काम से मुझे दिल्ली वापस निकलना पड़ रहा है और मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, मतलब नहाया धोया भी नहीं, तो मैं अभी पूरा तैयार होके और सीधा आपको बाइक पे मिलूँगा, ठीक है? चलो अब यहाँ से चलेंगे। तो भाई अभी कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, और क्योंकि मेरे ना फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है और बाइक पे जो चार्जर लगा वो ख़राब हो चुका है, तो बड़ी मुश्किल है भाई। और 5-6 घंटे का यहाँ से रास्ता दिखा रहा, तो मतलब मेरे को 7-7.5 घंटे 8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि जल्दबाजी में जाने से भी थोड़े पहाड़ आएंगे, जंगल आएगा, उसके बाद जब हाईवे टच होएगा उसके बाद मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है? तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पर। चलो सीधा, अब 50-60 किलोमीटर पार करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब यहाँ से सीधा निकलेंगे दिल्ली की तरफ। अभी सहारनपुर रोड चल रहा है, हाईवे पे हूँ, और हालत देख रहा हूँ, आँखें लाल हो रही हैं, और ये राइडिंग कपड़े मैंने दोबारा से पहन लिए हैं, राइडिंग जैसे लगते हैं लेकिन राइडिंग वाले हैं नहीं, ठीक है? तो भूख वो तेज लग रही है, पहले कुछ खाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? चलो अभी मैंने माउंट किया हुआ है कैमरे को, तो बीच बीच में ब्लॉग करता रहूँगा, मोटो ब्लॉग भी करना है थोड़ा सा, वो भी दिखाऊंगा आपको। चलो तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।